बांका जिले के अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर महागामा मोड़ के समीप ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक पर सवार 3 युवक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मियों को उपचार के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ज्योति भारती के द्वारा जख्मी मोहम्मद गौस रजा, मोहम्मद सोएब एवं मोहम्मद आदिल का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल परिसर में जख्मी के परिजनों ने बताया कि महागामा गांव से तीनों युवक खरीदारी करने के लिए इंग्लिश मोड़ गया था, जहां से वापसी के क्रम में महागामा मोड़ के समीप बांका की ओर से आ रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। जख्मी के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में इलाजरत तीनों जख्मी युवक के परिजनों ने डॉक्टर ज्योति भारती पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट किया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। 2 दर्जन से भी अधिक हमलावरों ने डॉक्टर ज्योति भारती को लात घूसों से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए प्रसव कक्ष में घुस गया। हमलावर भी पीछे पीछे प्रसव कक्ष में घुस गए और प्रसव कक्ष में जमकर तोड़फोड़ किया। किसी तरह डॉक्टर अस्पताल से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। अमरपुर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हो रही मारपीट की घटना की सूचना कुछ लोगों ने अमरपुर थाने में दिया। घटना की सूचना मिलने पर करीब 1 घंटे के बाद अमरपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे। इस 1 घंटे के अंदर हमलावरों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस प्रशासन के पहुंचने पर मामला शांत करा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही BDO राकेश कुमार अस्पताल पहुंचकर पीड़ित डॉक्टर ज्योति भारती से मामले की जानकारी ली। BDO राकेश कुमार ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए थानाध्यक्ष से हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग कानून अपने हाथ में लेकर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। मामले को लेकर पीड़ित डॉक्टर ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, कोई बात होता है गार्ड है, गार्ड के भरोसे कुछ होता नहीं। जब तक पुलिस का व्यवस्था नहीं देगा हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। कोई जान धर के क्या करेगा आदमी? देखिए रेफर किया हूँ मैं, सुरक्षा है, रेफर किया हूँ और सब किया, उसके बाद भी घुस जाते हैं लोग, मारपीट करने लगते हैं। पूरा डॉक्टर या स्टाफ का जो है सब अपना सब रखे और उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ से मुक्त करें जी। भाग कर मैंने अपना जान बचाई, स्थिति बड़ा विकट हो गया और लोग है जो मानने लगे यहाँ कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर इलाज करेगा कि अपना जान देखेगा? मानने लगे अंदर से घींच के लाए बाहर, एम्बुलेंस पर बैठा लिए तो भला हो कुछ लोकल आदमी का कि जो उनको बचाए और हटाए यहाँ से। 120 लोग थे और ज्यादा ही थे, सबका मूवमेंट एक हो गया, मारो मारो मारो। उसको बोल रहा हूँ मैं तो यार लगा हुआ हूँ, शुरू से लगा हुआ हूँ, अपने से बैंडेज किया हूँ, सब कुछ मैं अपने से किया हूँ, यहाँ पर मैं अपने से किया हूँ, लग गया हूँ फटाफट फटाफट। ये भी कोई कहे कि मैं, और इसको मैं इधर पुर्जा भी बनाया हूँ, लिखा भी हूँ, उसको रेफर भी किया हूँ, इंस्ट्रक्शन भी दिया हूँ, सब मैं काम किया हूँ। उस स्थिति में अगर रोगी ऑल वॉल होने लगे तो हम, मैं तो रेफर ही कर सकता हूँ ना, उसी में लोग मुझे मानने लगे। ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली नाबालिग युवती का बाइक से अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना बीते 22 जुलाई की सुबह की उस वक्त की है जब युवती घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गोड़ा बाजार जा रही थी। दूसरे दिन भी युवती का पता नहीं चलने पर युवती के परिजनों ने बांका थाना में मामला दर्ज कराया। मामला बढ़ता देख चौथे दिन आरोपियों ने युवती को बीती रात बांका थाना के पास छोड़कर फरार हो गए। युवती के थाना पहुंचने पर युवती के मां को बेटी मिलने की जानकारी दी गई। जब मां बेटी से मिलने के लिए बांका थाना पहुंची, तो बेटी द्वारा परेशान करने वाली बात बताई। युवती की माने तो उस दिन दीपक, चंदन और रंजन नामक युवक द्वारा बाइक से अपहरण कर मुंह में कपड़ा डालकर बोलने से रोका और बाद में बांका में एक रूम में रखा गया। उसके बाद दीपक नामक युवक युवती के साथ दुष्कर्म भी किया और बाकी अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। वहीं युवती की माँ ने बताई कि बेटी के गायब होने के दूसरे दिन भी नहीं मिलने पर बांका थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराने के बाद बेटी को डर से बांका थाने के पास छोड़कर फरार हो गए।
युवती की मां भी बेटी से बात बताने के आधार पर बेटी से गलत कार्य होने का आरोप लगा रही है। वहीं बांका थाना में दर्ज मामले के अनुसार बेटी का बीते 22 जुलाई को दीपक सहित अन्य लोगों द्वारा अपहरण करने के बाद कुछ गलत होने की आशंका जताई गई है। इस बाबत बांका पुलिस कुछ विशेष जानकारी देने से बचते हुए फिलहाल युवती का मेडिकल चेकअप कराते हुए युवती के बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में संभावित धारा जोड़ने की भी बात कह रही है। अमरपुर शहर में सड़क लुटेरों का फिर से तांडव शुरू हो गया है। ताजा मामला सोमवार के दिन अमरपुर क्षेत्र में घटित हुई, जहां दिन दहाड़े सड़क लुटेरों ने भागलपुर से तगादे की 3 लाख रुपए की रकम लेकर बांका आ रहे बाइक पर सवार से लूटकर फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़ित मुंगेर जिला के कुआबाड़ी गांव निवासी प्रिंस कुमार ने बताया कि मैं वैसमॉल कंपनी में सेल्समैन के पद पर कार्यरत हूं। सोमवार के दिन पीडी लाइट कंपनी का भागलपुर से 3 लाख रुपए का तगादा कर अमरपुर होते हुए बांका स्थित आनंद कॉलोनी जा रहा था, तभी मखदुमा और मंजगाय गांव के बीच पीछे से आ रही बाइक पर सवार 3 युवक ने ओवरटेक करते हुए मेरा बाइक रोक दिया और गाली गलौज करते हुए हाथ में लोहे की रड से प्रहार करते हुए रुपयों से भरा बैग छीन कर इंग्लिश मोड़ की ओर फरार हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि तीनों लुटेरे अपाची बाइक पर सवार थे, जबकि मेरे साथ मेरी बाइक पर बांका करहरिया गांव निवासी विजय पासवान बैठा था। पीड़ित ने बताया कि बैग में 3 लाख नगद एवं 1 डायरी था। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही लूट में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। हम भागलपुर से आ रहे थे, वहाँ पे एक सर्वोत्तम दास है, उनसे पैसा लिया 3 लाख रुपये, वो पीडी लाइट की कंपनी का पैसा था, वो हम लेके आ रहे थे। तो इंग्लिश मोड़ जब पार किए, मंझगाई जब पार किए तो पीछे से एक बाइक आया अपाची कलर का, उस पर 3 व्यक्ति बैठा हुआ था। पीछे से आया, बोला कि कहाँ एक्सीडेंट करके भाग रहे थे। तो हमको भी लगा कि हम जब एक्सीडेंट नहीं किए तो हम डरेंगे क्यों। तो जैसे ही आगे और बढ़ने लगे फिर तो आगे से बाइक लगा के बीच घेर लिया, तो उतर के एक व्यक्ति मारा रड से और एक व्यक्ति हमको फैट से मारा, तो बाइक छीनने लगा, वो फिर से रड से मारा, फिर जो पीछे भी व्यक्ति बैठा होता साथ, उसके बाद बाइक छीन के भाग गया।